पता नहीं कहाँ से कौन सा टर्न लेता है और वो बैरिंग पे ऐसा घूमता है कि इधर से उधर घूमने के बाद वापस टर्न ले लेता है, तो इसका बहुत अच्छा लगता है। नहीं चालू नहीं हुआ अभी, थैया भी बाकी है, थिन्ना थिन्ना तहाँ तक थैया बाकी है, वो होगा, पूरी पब्लिक एंजॉय करेगी, आप भी करिए हमारे साथ में, बने रहिए। हेलो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बहुत ही खास मेला दिखाने वाला हूँ। ये मेला मेरे गांव के बिल्कुल ही एक पास गांव है थोड़ा सी, वहाँ पर पीर बाबा का यह मेला लगता है, काफ़ी पुराना मेला लगता है और काफ़ी बड़ा ये मेला है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो मेरे इस तरफ बिल्कुल झूले लगे हुए काफ़ी बड़ी संख्या में, तो वहाँ पर जाकर आप उनका आनंद ले सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं। साथ ही इस मेले में 3 दिन तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। आज के इस व्लॉग में हम आपको पूरा मेला दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे दिखाते हैं आपको मेला। दोस्तों मैं भी बैठ चुका हूँ ब्रेक डांस झूले के अंदर, और हमारे आसपास नेताजी भी बैठे हैं, ताराचंद जी दायर जो सीकर के वो प्रधान हैं, और साथ में हमारे कुछ और दोस्त भी बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ लोग और बैठ जाए, उसके बाद में जैसे ही झूला चलेगा तो फिर देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का महसूस करते हैं, साथ ही बाकी जो लोग बैठे उन्हें इसमें कैसा महसूस होता है। बचपन कभी जाता नहीं है, हम ही उसे अपने अंदर दबा लेते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे जो अंकल हैं उन्हें देख रहे हैं, वो अभी झूला शुरू नहीं है लेकिन वो पहले से आनंद ले रहे हैं, बैठ कर एकदम आराम से झूले को झूल रहे हैं। आप उन्हें देखेंगे तो पता लगेगा कि बचपन क्या होता है, और बाल सफेद होने से आप बूढ़े नहीं हो जाते। अब स्टार्ट होने वाला है, धीरे धीरे उन्होंने घुमाना शुरू भी कर दिया है। अभी जो दोस्त हमारे पीछे थे वो आगे रहे, तो अभी देखते हैं कि कैसा इसमें आनंद आता है। ये बड़ा सुंदर है, जब ये झूला चलता है ना तो ऐसे लगता है कि एक दूसरे से टकरा जाएंगे, लगता बहुत सुंदर है। इसमें जितना आनंद आया है ना, वैसे तो मैंने बड़े झूले का भी आनंद लिया, उसके बाद में इस नाव का भी आनंद लिया, इस मौत के कुएं का भी आनंद लिया, लेकिन ये झूला निश्चित ही बच्चों के लिए तो बहुत ही सुंदर है, इंजॉय करने का सबसे बड़ा साधन, अच्छा लगा मुझे। आपको पता ही नहीं चलता कब कौन सा टर्न लेगा। हाँ, पता नहीं कहाँ से कौन सा टर्न लेता है, और वो बैरिंग पे ऐसा घूमता है कि इधर से उधर घूमने के बाद वापस टर्न ले लेता है, तो इसका बहुत अच्छा लगता है, बड़ा इंजॉय आया, बड़ा आनंद आया। मेरे तो समझ में नहीं आया कि ये कब धीरे होगा, कब फास्ट होगा, कब कौन सा टर्न लेगा, लेकिन आनंद आपको बड़ा आता है अगर आप इस मेले में आ रहे हैं, या आपको कहीं पर भी मौका मिलता है तो एक बार इसका आनंद जरूर लें। बहुत बहुत अच्छा लगा। डर तो नहीं लगा ना? कैसा आपको अच्छा क्यों लगा बताओ, वो कैसा? ये मस्त तरीके से घूम रहा था, बहुत मजा आया। आपको पता चल रहा था कि वो किधर घूम रहा है? ना ऐसे नहीं पता चल रहा, कभी किधर घूमता है कभी किधर घूमता है। नाम का झूला मेला में हमारा देवराज जी आ गया, देव जी भाई साहब। बहुत ही कम रेट, पूरा मेला में सब कम रेट रहते हैं सर। तो दोस्तों झूले तो हमने देख लिए, लेकिन झूलों के बाद में बारी है खाने की, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फूड स्टॉल्स लगे हुए और उनको भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं।
सबसे बढ़िया कौन सी आप तो ये बता दो। सबसे ज्यादा चलती है ऑरेंज। ऑरेंज भाई साहब बता रहे हैं सबसे ज्यादा चलती है ऑरेंज, तो हम भी ऑरेंज ही ट्राई करेंगे। जीरा और लेमन एक बताओ यार। सबसे एक नंबर में ऑरेंज, फिर जीरा और लेमन दो। अभी यहाँ पर राकेश कुमार शर्मा जी हैं जो हमारे पास ही फतेहपुर के हैं, और वो हमारे दोस्त दिनेश जी हैं, दिनेश कुमावत रिपोर्टर, उनके दोस्त रहे हुए हैं, तो ये यहाँ पर हमें अभी आइसक्रीम खिलाएंगे। तो चलिए राकेश जी से आइसक्रीम खाते हैं। राकेश जी खिलाइए आइसक्रीम। हाँ लीजिए सर आइसक्रीम खाइए। लीजिए सर आइसक्रीम, ये फतेहपुर की प्रसिद्ध आइसक्रीम है। कुल्फे के बाद अब बारी है बादाम शेक की, और यहाँ पर सीकर के प्रसिद्ध, जो सीकर में तीन तीन जगह पर बादाम शेक के स्टॉल्स लगाते हैं महालक्ष्मी, उनसे हम यहाँ पे बादाम शेक ट्राई करेंगे और देखते हैं कि क्या जो सीकर में जो इनकी क्वालिटी है वो यहाँ पर भी इन्होंने मेंटेन कर रखी है, या फिर मेले के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। चलो देखते हैं। किशन जी खिलाइए बादाम शेक, खिलाइए। नहीं टेस्ट तो बिल्कुल सीकर में जो मिलता है वही इनका मेंटेन है, तो आप भी आकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, या फिर सीकर में आप जाते हैं तो सीकर में इनकी तीन तीन जगह पे स्टॉल्स लगती हैं, एक पुलिया के पास, एक बाईपास के पास और एक सीएलसी कोचिंग के पास, तो आप वहाँ पर जाएं तो भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं। दो दुकान वहां पर पीछे और इसके बाद में यहां पर फिर से दो दुकानें हमारे गांव की हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि इस मेले में जो दुकानें हैं उन पे अधिकतर कब्जा हमारे गांव के लोगों ने कर रखा है। करीब 10 बज चुके हैं और यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, मैं बिल्कुल स्टेज से सामने आ चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पर स्टेज का प्रोग्राम स्वागत करने वाला है, और बिल्कुल जो ऑडियंस है वो बिल्कुल मेरे पीछे जो है यहाँ पे पूरी पूरी ऑडियंस है, तो ये सारे लोग मेले का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। अभी ये मना कर रहे हैं करेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अलग बोल रहे हो दे। जयपुर से शानदार, बहुत ही ऐतिहासिक मेला, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छे फिड़के, बहुत बढ़िया प्रोग्राम तो हो रहा है। प्रोग्राम हो रहा है, अभी चालू होगा, अभी चालू नहीं, डांस अभी चालू होगा,
डांस चालू है? नहीं चालू नहीं हुआ अभी, थैया भी बाकी है, तिन्ना तिन्ना तक थैया बाकी है, वो होगा, पूरी पब्लिक एंजॉय करेगी, आप भी करिए हमारे साथ में, बने रहिए। यहाँ पे लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक मारिए फटाफट, कमेंट भी सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय पीर बाबा की।